मटर चावल बनाएंगे, इसलिए हमने 4-5 हरा मिर्च कट करके रखा है, 10-12 कड़ी पत्ते हैं और आधा किलो टमाटर काट के रखा है मैंने। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम सबसे पहले कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कौन सा भी यूज कर सकते हो। ऑयल मैंने छोटा वाला चम्मच से 4 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छा गर्म होने देना है। देखिए ऑयल भी गर्म हो गया है। अब हम इसके अंदर 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/2 चम्मच राई, 3-4 लहसुन की कली। देखिए जीरा और राई चटकने के बाद अब हम इसके अंदर कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची डाल देंगे। थोड़ी देर हरा मिर्ची को फ्राई कर लेंगे। देखिए हरा मिर्ची को फ्राई करने के बाद अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर पका लेंगे टमाटर को भी। देखिए टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसके अंदर सूखा मसाला ऐड कर देंगे, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर। मिर्ची आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच नमक डाल देंगे, नमक आप अपने अनुसार डाल दीजिएगा। अब हम मसाले को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए टमाटर अच्छा मिक्स करने के बाद अब हम इसको गैस को मीडियम कर देंगे और कम से कम 15 से 20 मिनट पकाना है इसको, यानी कि टमाटर पूरा गलने तक पकाना है और बीच में चलाते रहना है। देखिए दोस्तों टमाटर भी एकदम गल गया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, कूटा हुआ लहसुन है। लहसुन को अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए दोस्तों अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। मैंने उबाल के रखे थे चावल, वो मैं इसमें ऐड कर दिया। अब हम अच्छा मिक्स कर लेंगे। देखिए मैंने अच्छा मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर हरा धनिया डाल देंगे, धनिया को भी अच्छा मिक्स कर लेंगे। गैस बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों टमाटर राइस बनकर रेडी हैं। आप भी एक बार ज़रूर बनाएंगे दोस्तों, इसी प्रकार बहुत स्वादिष्ट बनते हैं टमाटो राइस और टेस्टी है, बहुत टेस्टी रहता है, ज़रूर बनाएगा। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।